वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि साउथ फिल्मों के नामी निर्देशक शंकर को लेकर हाल ही में खबर सामने आई है। वैसे ही सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया है। यह खबरें तेजी से वायरल होने लगी हैं कि रजनीकांत के फिल्म रोबोट के निर्देशक शंकर के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल खबर थी कि अरुण तमिल नंदन नाम के कहानीकार ने डायरेक्टर शंकर ने फिल्म रोबोट के लिए उनकी कहानी चुराई है, जो कि कॉपीराइट 1957 का उल्लंघन है। कहानीकार का आरोप था कि रजनीकांत स्टारर फिल्म रोबोट की कहानी उनकी शॉर्ट स्टोरी जिगुबा की कॉपी थी, जो साल 1996 में पहली बार छापी गई थी। बता दें कि तमिल नंदन के इस मामले में कोर्ट में शंकर पर केस भी दर्ज करवाया था। अब निर्देशक शंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू होने की खबरों के बाद उनका बयान सामने आया है। तेलुगु एंटरटेनमेंट पोर्टल tollywood.com की एक खबर की माने तो इन खबरों के फैलते ही वो अपने वकील साई कुमारन के साथ कोर्ट पहुंचे और उनके संज्ञान में ये झूठी खबर लगाई गई, जिसके बाद साफ हुआ कि उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है, बल्कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान हुई गलती थी जिसे ठीक कर दिया गया है। बता दें कि निर्देशक शंकर ने इस तरह वायरल होती खबर पर दुख जताते हुए कहा कि बेहद चौंकाने वाला है कि ऐसी खबर बिना किसी प्रामाणिकता के छाप दी गई, जिससे उनके करीबी और परिजनों को काफी सदमा पहुंचा। बता दें कि शंकर की पिछली रिलीज रोबोट का कहानी सीक्वल 2.0 थी, जिसमें अक्षय कुमार और रजनीकांत लीड रोल में दिखाई दिए थे। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।